गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के बीच में उपस्थित हुई हूँ। काफ़ी तो नहीं कहेंगे, दो चार दिनों के बाद ही। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया जोधपुर और मैं हूँ यहाँ पर एक्टिव प्रिंसिपल, और सारे काम बेटे करने पड़ते हैं। जाने से पहले सारे काम निपटाने पड़ते हैं, तो मुझे आप विश्वास नहीं करोगे, एक सेकेंड की भी तुम्हें क्या नहीं कहूँगी, पर बिल्कुल फुर्सत नहीं मिला। 2 मिनट 5 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल पाया जिससे कि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और अपनी बातें कह सकूं। पर चलिए, अंत भला तो सब भला, आप लोग की दुआओं से मेरा ट्रांसफ़र जोधपुर हो गया है और मैं अब जोधपुर में रह करके आप लोग की तैयारी मैं पूर्ण करवाऊंगी, ये मेरा वादा रहा। क्योंकि दुआएं क्या किसकी थी? आपकी थी। आपने दिल से दुआएँ दी मेरे स्वास्थ्य की, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके लिए वहाँ ज्वाइन करते ही डेली वीडियो डालूंगी और समझाऊंगी, एक एक बिंदु को क्लियर करूंगी। कई बच्चे हमसे कहते हैं कि मैडम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दीजिए, कोई कहते हैं मैडम बोन पढ़ा दीजिए। बेटा मैं बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी, एक भी बिंदु नहीं छोड़ूंगी। आप कहते मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मी आप इतना क्यों पढ़ती हो, आपको TGT देना है, आपको PGT देना है, आप इतना क्यों व्यस्त रहती हो। कहते कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे कारण, मैं 50 की बात नहीं करती, 25 की नहीं करती, 10 की नहीं करती हूँ, अगर मेरे कारण 2 बच्चे भी सक्सेस हो गए मेरी बुक्स को पढ़ करके, मेरे लेक्चर को सुन करके, तो मैं सोचूंगी मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। तो चलिए बेटा, बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि यहाँ पर इतना हमारे पास नेट नहीं आता है, तो जैसे ही मैं जोधपुर जाऊँगी, मेरे पास वाईफाई की सुविधा सब कुछ है, वहाँ पर मैं डालते रहूँगी, ठीक है। तो अब बगैर समय गंवाए हुए मैं अपने गंतव्य की ओर पहुंचती हूँ और MCQ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित पूछती हूँ। शुरू करें, रेडी हो? चलो। और वहाँ आप लोगों ने कहा मैडम टेलीग्राम चैनल भी आप मुझे बताइए, और उस पर अपनी जो आप मुझे नोट्स देती हैं, जो आप पढ़ाती हैं, उसको आप लोड कर दीजिए। आपकी इस फरमाइश को भी पूरी करूँगी, क्योंकि आपकी दुआओं ने, परमात्मा ने मेरे लिए अच्छा किया है, ठीक है। तो चलिए, पहला है, मनुष्य में अलैंगिक क्रोमोजोम होता है, अलैंगिक क्रोमोजोम होता है। ऑप्शन है 44, 44 या 2 या 46 या 48। कंफ्यूजिंग हो गया ना क्वेश्चन, थोड़ा पूछ रही हूँ, मनुष्य में अलैंगिक क्रोमोजोम होता है, कितने होते हैं मनुष्य में? अलैंगिक क्रोमोजोम होता है 44, 44, टोटल क्रोमोजोम होता है 46, जिसमें 2 होता है अल जो होता है लैंगिक होता है, सेक्स क्रोमोजोम जिसको बोलते हैं। तो कितने बचे? 46 में से 2 घटा दो, 44, 44 अलैंगिक क्रोमोजोम है, जिसको हम ऑटोजोम भी कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब सेकेंड में देखो, अंडाणु में होता है, अंडाणु ओवम की बात कर रहे हैं हम, अंडाणु में होता है XX क्रोमोजोम, XY क्रोमोजोम, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं, कौन सा करेक्ट आंसर है? अंडाणु में क्या होता है? XX क्रोमोजोम, XY क्रोमोजोम, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है यार, अंडाणु किस में होता है? फीमेल में। फीमेल में क्या होगा? XX क्रोमोजोम, राइट। क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा नहीं था, आपको पहले ही बताया है, एवरेज क्वेश्चन आता है आपका 35 से 40%, इजी क्वेश्चन भी लगभग 20 से 25-30% तक आ जाता है, और कठिन तो हो जाता है आपको पता है 20 से 25% जोड़ लो, तो आपको एवरेज क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पुरुष के शुक्राणु में होता है, पुरुष के शुक्राणु में होता है XX क्रोमोजोम, XY क्रोमोजोम, या उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु में पुरुष अगर नहीं लिखा रहेगा, खाली शुक्राणु लिखा रहेगा, है ना, तो पर भी आपको आंसर क्या दोगे बता, कौन से क्रोमोजोम? XY क्रोमोजोम, कौन से क्रोमोजोम? XY क्रोमोजोम। पुरुष के शुक्राणु में क्या होता है? XY क्रोमोजोम होता है। चौथा, मासिक धर्मचक्र प्रारंभ को कहते हैं, मासिक धर्म चक्र के प्रारंभ को कहते हैं। पहला
रजोदर्शन जिसको मेनार्की बोलते हैं, दूसरा रजोनिवृत्ति मेनोपॉज बोलते हैं, तीसरा जायगोट, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? मासिक धर्मचक्र प्रारंभ को कहते हैं रजोदर्शन, अंग्रेजी में इसको मीनार्की बोलते हैं। ठीक है, लड़की जब सियानी हो जाती है, और आजकल खान पान के कारण लड़कियां जल्दी बड़ी हो जा रही हैं, तो 10 से 12 साल में ही रजोनिवृत्ति सॉरी रजो प्रारंभ है ना, रजोदर्शन जिसको बोलते हैं मीनार्की हो जाता है। और मेनोपॉज जो है वो बाद में होता है ना, 45-47 की उम्र में, और कईयों को एक्सेप्शन में तो पहले भी हो जाता है, कईयों को 50 के बाद भी होता है मेनोपॉज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? अंडवाही नली, स्पर्मेटिकोड, भक्षुष्णिका और वृहत प्रकोष्ठी, चार ऑप्शन है आपके पास। इनमें से कौन स्त्री प्रजनन अंग नहीं है ये पूछ रहे हैं, कौन नहीं है? पहला अंडवाही नली, दूसरा जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडवाही नली अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों के लिए फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड स्पर्मेटिकोड, तीसरा भक्षुष्णिका क्लाइटोरिस और चौथा बृहत भगोष्ठ लेबिया, वृहत मतलब लेबिया मेजोरा, कौन नहीं है? स्पर्मेटिकोड नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट नहीं है। ये क्या है? ये कोड है जिससे पुरुष का जो टेस्टिस है ना, एक एक स्क्रोटम अंडकोश जिसको बोलते हैं में लटकता रहता है। ठीक, इसके बारे में डिटेल मैं आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगी, अगर मैं आजकल मैं अगर जोधपुर पहुंचती हूँ तो बोर्ड पर आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, 6, इनमें से कौन स्त्री के आंतरिक प्रजनन अंग के भाग नहीं है? मैं पूछ रही हूँ आंतरिक प्रजनन अंग के इनमें से कौन भाग नहीं है? पहला अंडवाहिनी नलिका, दूसरा अंडाशय, तीसरा लघु भगोष्ठ और चौथा गर्भाशय। ये जी क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। तो स्त्री प्रजनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्या है बोलो? बाह्य प्रजनन तंत्र और दूसरा है आंतरिक प्रजनन तंत्र। तो इसमें लघु भगोष्ठ जो है आपका लेबिया माइनोरा वो आंतरिक प्रजनन तंत्र महिला का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। जघन रोम उगते हैं प्यूबिक हेयर, पहला अंडाशय में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा लेबिया मेजोरा में और चौथा उपरोक्त सभी। एवरेज क्वेश्चन, प्यूबिक हेयर उगते हैं, कहाँ उगते हैं, किस पार्ट पर? आंसर सीधे है लेबिया मेजोरा वाले पार्ट पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। स्त्री प्रजनन तंत्र का सबसे उत्तेजक अंग है, एक्साइटिंग ऑर्गन कौन सा है स्त्री प्रजनन तंत्र का? स्त्री प्रजनन तंत्र का सबसे उत्तेजक अंग है भक्षुष्णिका, योनि, रतिसेल या अंडवाही नलिका? एक्साइटिंग ऑर्गन कौन सा है बताओ बेटा, तुम तो सब जानते हो, ऐसा क्वेश्चन है मतलब, तो एवरेज क्वेश्चन है ना। भक्षुष्णिका, क्लाइटोरिस अंग्रेजी में बोलते हैं, एक सबसे एक्साइटिंग ऑर्गन है लेडीज का, महिला का। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लघु भगोष्ठ के बीच का चीरा कहलाता है, जो लघु भगोष्ठ है लेबिया माइनोरा उसके बीच का जो चीरा है उस क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास प्रधान, भक्षुष्णिका, रतिसेल या पेरिनियम, अंग्रेजी में बोलती हूँ वेस्टिबल,
क्लाइटोरिस, मॉन्स वेलेरिस और पेरिनियम, क्या है करेक्ट आंसर? वेस्टिबल बोलते हैं। लघु भोगोष्ठ के बीच वाला जो चीरा है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में प्रधान और अंग्रेजी में वेस्टिबल बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। शिशु के जन्म के समय बाहर निकलने के लिए मार्ग प्रदान करता है। शिशु जन्म के समय शिशु को बाहर निकलने के लिए मार्ग प्रदान करता है कौन? पहला योनि, दूसरा गर्भाशय, तीसरा भक्षिष्णिका और चौथा क्लाइटोरिस। चौथा, चौथा कर दो इसको, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिशु के जन्म के समय बाहर निकलने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है या मार्ग प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला योनि, दूसरा गर्भाशय, तीसरा भक्षिष्णिका और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर है इसका योनि, वेजाइना। वेजाइना का जो खुला होता है नीचे की तरफ होता है, जिसे योनि द्वार, वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। योनि द्वार का ऊपरी भाग गर्भाशय की ग्रीवा से बंद रहता है। सिर्फ बालक, प्री मेच्योर मतलब जन्म से पहले ये सर्विक्स नहीं खुलता है, ग्रीवा नहीं खुलता है और बालक अपने माता के गर्भ बड़ी सुरक्षित रहता है, अच्छी तरीके से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं, ये थोड़ा सा आपका कठिन क्वेश्चन आ गया। जिसने गर्भाशय के संरचना को पढ़ा होगा इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, क्या करेक्ट आंसर है? गर्भाशय के सबसे बाहरी परत को कहते हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज पेरीमेट्रियम। पेरी मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ, अंतर, समझ गए? तो आप ठीक से याद करके इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हो। पेरी मीन्स आउटर, एंडो मीन्स इनर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो। निषेचित डिंब का विकास होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास होता है। आपके पास ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाही नलिका या योनि। अंग्रेजी में सुनो, निषेचित डिंब का विकास होता है यूटरस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना। कहाँ होता है विकास? आपको मालूम है, एवरेज क्वेश्चन है बेटा। फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास होता है कहाँ? गर्भाशय में, यूटेरस में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, अगर होगा तो वो छोटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 14। अंडवाहिनी नलिका संख्या में होती हैं, सिंपल क्वेश्चन, सोते सोते जवाब दे दोगे। अंडवाही नलिका संख्या में होती हैं कितनी? 2, 3, 4 या 6। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अंडवाही नलिका संख्या में होती है 2। ठीक है, 2 होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15। अंडवाहिनी नलिका के अंतिम सिरे पर अंगुली जैसे उभार होते हैं, है ना? आपने देखा होगा इस तरह के उभार रहता लगता हुआ अंडवाहिनी नलिका का। मैं आपको जब चित्र पढ़ाऊंगी ना, बनाऊंगी ना, आपको जब पढ़ाऊंगी डिटेल्स, तब चित्र के माध्यम से आपको समझा दूंगी। तब तक आप इस क्वेश्चन को देखो। तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला झालर,
ऑप्शन सुनो, दूसरा एम्पुला, तीसरा ग्रीवा और चौथा अंडवाही नलिका, क्या बोलते हैं? क्या करेक्ट आंसर है? थोड़ी संरचना पढ़ी होगी बेटा, इसका सही जवाब तुम दे दोगे। चलो दे दो, मिशन बोल दो। फैलोपियन ट्यूब के अंतिम सिरे पर अंगुली जैसे उभार को कहते हैं फिम्ब्री या एम्पुला या सर्विक्स या फैलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं? अब क्वेश्चन नंबर देखो 16। अंडाशय से अंडाणु का क्षरण कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु, ओवरी से ओवम का क्षरण मतलब टूटना, खरना, क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, रजोनिवृत्ति, वार्षिक धर्मचक्र या निषेचन? करेक्ट आंसर इज, अंग्रेजी में बोल दो, अंडाशय से अंडाणु का क्षरण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन ओवुलेशन, सेकेंड मेनोपॉज, थर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फोर्थ इज फर्टिलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ओवुलेशन। तो आज मैंने आपको ये बताया, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक मुझे जाने के लिए दो है ना इजाज़त, और आपकी कन्फ्यूजन जो होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको ज़रूर टाइम मिलेगा तो देखूंगी और उसको दूर करने का प्रयास करूंगी और करूंगी प्रयास। अब आप लोगों की दुआओं से मैं जोधपुर पहुंच गई हूं, रिलीव होकर के पहुंचूंगी, ज्वाइन करूंगी, मेरे पास वहां पर सारी सुविधाएं हैं और उन सुविधाओं के बीच में मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, आप विश्वास रखना मुझ पर, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय मेरे बच्चे।